दोस्तों दिहाड़ी मजदूरों और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सभी लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ईपीएफओ एक नई प्रस्तावित योजना और कुछ नई शर्तें, कुछ नए रेगुलेशंस, नए नियम लेकर आ रहा है। ईपीएफओ का मतलब तो आप समझ गए ना, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है उसको लेकर अपडेट आ रहा है। बड़ी खबर देखिए, आपकी दिहाड़ी मजदूरों को भी मिलेगी 3,000 रुपए हर महीने की पेंशन। आखिर ईपीएफओ की ये नई प्रस्तावित योजना क्या है, इसके क्या नियम और क्या शर्तें होंगी, आइए जानते हैं। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ जो है वो असंगठित क्षेत्र यानी कि दिहाड़ी मजदूरी और छोटे मोटे काम करने वाले श्रमिकों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रहा है। ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों कि ईपीएफओ की प्रस्तावित इस पेंशन स्कीम में इन मजदूरों को शामिल किया जा सकता है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपनी पेंशन योजना की कवरेज को बढ़ा सकता है और इस नई योजना के व्यक्तिगत योगदान पर आधारित होने का प्रस्ताव है, जो कि ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी को 60 साल की उम्र के बाद न्यूनतम 3,000 रुपए हर महीने पेंशन मिलेगी। खबर आ रही है कि इस प्रस्तावित योजना को यूनिवर्सल पेंशन स्कीम नाम दिया जा सकता है, यूपीएस। यूपीएस योजना है ये, जिसका मकसद होगा मौजूदा जो कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस है इसमें 1995 की विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना। कहने का मतलब जो 1995 से रेगुलेशंस बने हुए हैं कर्मचारियों की पेंशन को लेकर, उसमें जो कुछ खामियां हैं, कुछ बग्स हैं इस योजना में, उनको निकाल करके इस योजना को एक नया रूप देकर के यूपीएस यानी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम नाम दिया जाएगा। अच्छा, प्रस्ताव क्या क्या होंगे इस योजना में जरा समझिए आप। 15,000 रुपए हर महीने से ज्यादा कमाने वाले कर्मचारियों के लिए इस योजना में कोई कवरेज नहीं होगा, बल्कि एक साधारण पेंशन राशि का प्रावधान है। नई योजना में रिटायरमेंट पेंशन, विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन, विकलांगता पेंशन का प्रावधान भी होगा। हालांकि इन सभी पेंशन सेवाओं का लाभ लेने के लिए सेवा की न्यूनतम योग्यता अवधि 10 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु 60 साल की आयु से पहले हो जाती है तो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत परिवार को पेंशन आएगी। अच्छा, ये तो इसके फायदे हो गए। अब इस योजना में जो फायदा मिलेगा आपको वो कैसे मिलेगा? तो दरअसल आपको पता होगा केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में कुछ समय पहले एक पेंशन स्कीम शुरू की गई, जिसमें मतलब जैसे सरकारी कर्मचारियों को तो नौकरी से रिटायरमेंट के बाद 60 साल की उम्र के बाद हर महीने आधी तनख्वाह के रूप में पेंशन मिलती रहती है, राइट? लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के काम करने वाले कर्मचारी मजदूर श्रमिक है ना, उनके लिए भी हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने एक पेंशन योजना निकाली थी, जिसमें मजदूर मतलब महीने के 100-100 रुपए या ऐसा कुछ थोड़ी बहुत नॉमिनल राशि भी जमा करते रहते हैं ना, तो 60 साल की उम्र के बाद उनको पेंशन मिलती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी उम्र से इस योजना में जुड़ते हो और हर महीने कितनी राशि जमा कराते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको 60 साल की उम्र के बाद हर महीने राशि मिलेगी, जैसे महीने के 500 रुपए, महीने के 1500 रुपए, महीने के 3,000 रुपए, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसे में अभी जो इस पेंशन स्कीम में प्रस्ताव सरकार बनाने जा रही ना, उसमें आपको हर महीने न्यूनतम 3,000 रुपए पेंशन पाने के लिए इस योजना में आपको अपनी 60 साल की उम्र से पहले पहले कुल 5,40,000 रुपए जमा कराने की जरूरत होगी। ईपीएफओ के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी द्वारा एक स्थापित समिति का कहना है कि ईपीएफओ सदस्य स्वेच्छा से अधिक योगदान का विकल्प भी चुन सकते हैं। मान लीजिए आपको हर महीने 3,000 से भी ज्यादा पेंशन चाहिए तो आप 5-5.5 लाख रुपए की जगह पर 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए तक भी जमा करा सकते हैं, तो आपको 6,000 रुपए हर महीना पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। ऐसे ज्यादा पेंशन पाने के लिए आपको बड़ी राशि जमा करानी होगी। सिंपल फंडा ये समझिए कि 60 साल की उम्र के बाद जो आपको हर महीने 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी ना, उसके लिए आपको 60 साल की उम्र से पहले आप अपनी जिंदगी में जो जितना भी पैसा कमाओगे ना, उससे एक पैसा थोड़ा 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 किस्तों में करके आपको ईपीएफओ के एक अलग से पेंशन स्कीम खाते में जमा कराना होगा, जिसका नाम होगा यूपीएस, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में, ठीक है ना। अच्छा, इसमें सबसे पहला नियम तो यही, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर महीने 15,000 रुपए तक कमाने वाले श्रमिकों के लिए ईपीएफ योगदान अनिवार्य है अभी नियमों के मुताबिक, और प्रत्येक कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% ईपीएफ योजना में भी देता है। तो इस योजना में फिलहाल पेंशन पाने के लिए सेवा की न्यूनतम योग्यता अवधि को भी 10 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी जाएगी, और बाकी इस योजना में क्या क्या फायदे बेनिफिट्स होंगे वो मैंने आपको बता दिए। अब ऐसे फिलहाल दोस्तों ईपीएफओ प्लानिंग कर रहा है पूरा प्रोजेक्ट बनाने की, इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का पूरा सिस्टम बनाने की, ठीक है ना। अब इस पर ऑफिशियल अपडेट ईपीएफओ की तरफ से जैसे आता मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से तो आप इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं और इसके एक्स्ट्रा एडवांस बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, सारी जानकारियां मैं आपको इसी चैनल डीएलएस न्यूज के ऊपर बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहेगा। इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा आपको सब्सक्राइब करने का, उस बटन को अभी के अभी दबा दीजिए। इससे होगा ये कि आप सब्सक्राइब करके जैसे ही पास वाले घंटी के बटन को दबा दोगे ना, तो आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और डीएलएस न्यूज के ऊपर आने वाली रोजाना इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल, काम की खबरें आपको तुरंत अपने मोबाइल पर मिलती रहेगी, है ना। बाकी इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और भी आपके मन में कोई सवाल जवाब है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।